नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। हरियाणा के करनाल में अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति की ओर से आज लघु सचिवालय के सामने अपना रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यहां हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का शुभारंभ करने एवं अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहे और उनका रात्रि ठहराव भी करनाल में ही है। उनसे मिलने के लिए अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति को समय दिया गया। इस मौके पर एसडीएम महेंद्र पाल मलिक, तहसीलदार एवं डीएसपी ने पहुंचकर स्थिति को काबू किया और अतिथि अध्यापकों को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति पिछले काफी अरसे से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर है। इसी कड़ी में करनाल के सेक्टर 12 में अतिथि अध्यापकों द्वारा अपने पक्का करने की मांग को लेकर डेरा डाले हुए हैं। इस अवसर पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस की है पहली कलम, आर्यन भी देंगे। अरे पहली कलम तो पक्का तो कहाँ हुआ, आर्यन तो कहाँ हुआ, मैं पक्का भी नहीं कर रहा। झूठे वादे कर दिया, झूठी सरकार है, झूठी सरकार। मैं मीडिया के साथियों को ये कहना चाहती हूँ, सीएम सिटी के वासियों को, ये भाजपा सरकार झूठी सरकार। मुख्यमंत्री जूस पिलाने के लिए नहीं आ सकते, जब ये सत्ता में नहीं थे तो दो दो बार हमारे आमरण से पहुंच रहे थे। बड़े शर्म की बात है, जो आज जन परियोजना शुरू करने के लिए जगह जगह घूम रहे, जगह जगह घूमकर ये ढोंग कर रहे हैं कि हमारे हमने बहुत ज्यादा काम किए हैं, हमें 75 से पास सीट आएंगी। हम तो कहते हैं कि हरियाणा की अगली बार भाजपा सरकार हरियाणा से बाहर, भाजपा सरकार को हमारी वाकायदा मीटिंग पीएस खुल्ला जी से हुई और डीसी साहब ने इस बारे में अहम भूमिका अदा की। जो हमारे डिमांड थी हमने पीएस खुल्ला जी को बता दी, लेकिन उसके बाद अभी तक उनका पत्र जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लगने से पहले आपको समान वेतन और जो रेगुलर सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाओं का पत्र जारी हो जाएगा। ये लोग केवल हमें मिसगाइड कर रखना चाहते हैं और आचार संहिता को नजदीक लाना चाहते हैं। इनकी चालाकी को हम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है। हमें कल का टाइम दिया गया 11 बजे का, जब सीएम साहब खुद यहाँ मौजूद है, उन्हें सीआईडी के द्वारा ये पता है कि 54 वर्षीय आदमी तिल तिल के मर रहा है, तो उन्हें शर्म नहीं आती कि वो खुद आए और जूस फिलहाल ये कहे कि मैंने तुम्हारे ये कर दिया है। ये खट्टर सरकार के लिए और क्या शर्म की बात हो सकती है, जिन्हें खुद के बच्चे नहीं, जिन्हें खुद की बीवी नहीं, जिन्होंने कभी घर चलाए नहीं, जिन्होंने खिचड़ी खा खा के अपना जीवन काट दिया आज, और जो कभी पंच सरपंच भी नहीं बन पाए, आज हरियाणा का दुर्भाग्य है कि वो हमारे मुख्यमंत्री बन बैठे। ऐसे अनुभवहीन मूर्ख मुख्यमंत्री को हम क्या कहेंगे, जो अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को हमारे बीच में भेजता है पिछले साल जूस फिलाने के लिए कि मेरी उनसे कहो कि मैं आपके लिए चिंतित हूँ, आपकी मीटिंग मेरे साथ होगी, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि फिर वो मीटिंग नहीं होती। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हजारों लोगों के बीच में उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर कह के जाता है। इन लोगों को क्या भरोसा है, इन्हें क्या भरोसा है कल भी बात करेंगे नहीं करेंगे, इनकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं क्योंकि इनको जुबान की कीमत का पता ही नहीं। आगामी समाज में आगामी ये कार्रवाई है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता। सरकार वाटर कैनल मंगवा ले, लाठीचार्ज करे, जो भी कार्रवाई करनी है वो सरकार जो कार्रवाई करे। आम जनता को पता लग जाएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में वादा करने के बाद सरकार पलटती है, और बड़े शर्म की बात है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमने गैंगस्टरों को रेगुलर कर दिया है।
हम किसी भी अंजाम पर जाने के लिए तैयार हैं। मरता क्या नहीं करता। 13,546 गैस टीचर जो कि हरियाणा के बस्तर से 95 गाँव में काम करते हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे, दिखाएंगे, वो ऑडियो वीडियो दिखाएंगे, रामविलास शर्मा की अमित आर्य की वीडियो दिखाएंगे कि ये लोग कितने छोटे और मक्कार हैं। वो लेटर हेड पर दिखाओ लेटर दिखाएंगे जिसमें लिखा था कि सत्ता माते हम गैस टीचर को रेगुलर करेंगे और इनकी काली नीतियों को समझाएंगे। इन्होंने 5 साल में जितने बार लाठीचार्ज किया है उसकी वीडियो लोगों को दिखाएंगे और घर घर जाकर कहेंगे कि भारत जनता पार्टी छोटी सरकार कोई नहीं है। इन्होंने ढोंग किया हुआ है कि हम साफ स्वच्छ वाले छवि वाले हैं, हम नौकरियां स्वच्छता के आधार पर देते हैं, जबकि इनसे बड़ा भ्रष्ट पत्थर दिल कोई नहीं है। कोई रथ यात्रा भी निकाल लेंगे आप सीमांतर। यदि हमारा कार्य पूरा नहीं होता है, हमें रेगुलर नहीं किया जाता है, तो हमारी कमेटी बहुत जल्दी डिसीजन लेगी कि पूरे हरियाणा में हम रथ यात्रा निकाल कर लोगों को गाइड करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट न करें। किस आधार पे कह रहे हैं आप? आपकी तो मांग है JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।